हेलो दोस्तों, आज गाजर का हलवा की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आइए चलिए बना लेते हैं हम और आप गाजर का हलवा। पहले ही बनाया मैंने खोए को, क्योंकि अभी फिर से इसको भुनना ही होगा, तो बाद में जब कद्दूकस कर लूँगी इसको गाजर को, उसके बाद भुनूंगी। तो मैंने खोया बना लिया है, मैं खाली कर ले रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद अब फिर गाजर को बनाऊंगी। इधर रवि है क्या? बात करना। अरे बात कर। हेलो मम्मी, रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करती हैं। हेलो आप रवि कल बोल दो कढ़ाई पनीर मीडियम साइज और फ्रेश पैन पिज्जा ना चाहिए। तू से बात कर ले। उससे बात कर रहा हूं। हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। आज सुबह का रूटीन तो आपने देखा, सुबह से हम खोया वगैरह बना लिए, अभी गाजर कद्दूकस करने जा ही रही थी। आज खाना भी बाहर से मंगवा रहे हैं बच्चे सब, तो रवि पिज्जा लेके आ गए हैं। आप लोग दिखाओ खुशी बीबू की। ये लो 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 लो, लूटो लूटो जल्दी 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 आओ लूटो। दीदी आप, ये है गुड्डा का अच्छा है। तो जो तुम्हें लेना है ले लो ना। कौन सा लेना है, कौन सा है? मैं वही मंगवाने वाला था, आपने मुझे तो ले लो ना। दीदी का है। कैसा लगा बीबू? अच्छा है। तुम्हारा कौन सा है? ये कद्दूकस कर लिया मैंने। आप ऐसे मोटे से भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जो बारीक रहता है ना। एक किलो गाजर थी छीलने उनने के बाद में, ये करीब मुझे लगता है 1.25 किलो बचा होगा सारा कुछ इसके छिलका वगैरह निकालने के बाद। तो आइए इसको छौंक लेते हैं। इसमें 4 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी गरम हो जाने दें, उसके बाद ये जो हमने कद्दूकस किया है गाजर, इसको डाल देंगे। एक आध टुकड़ा रह गया है, देखो कद्दूकस किया है, इसको देखना पड़ेगा। थोड़ी देर भून लेंगे, भूनने के बाद में इसको ढक देंगे पकने के लिए। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं कभी भी दूध के साथ में नहीं उबालती। मैंने आपने देखा खोया मैंने पहले बना लिया है, जिससे कि पूरा फटाफट ये बन जाए। ये मैंने भून लिया, अब इसको ढक देते हैं। आइए देख लेते हैं हाल चाल है इनके। आप ये देखो 3 से 4 मिनट हुए होंगे।
एकदम पक गया है, देखिए एकदम से कट जा रहा है ना ऐसे करने पे, तो एकदम पक चुका है। अब चीनी डाल देते हैं अपन। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना कम ज़्यादा डालना चाहते हो। अभी और पकने देते हैं इनको। चीनी को गल जाने दें, गल के इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मावा को डाल देते हैं। मावा गीला है, यदि फ्रिज में रखे होते तो इसको कद्दूकस कर लेते हैं, इसलिए इसको ऐसे मिला लें, थोड़ा कूट लें इसको अच्छे से, मतलब बारीक कर लें। ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा तल लेते हैं फिर इसमें डालते हैं, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हो। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा डालिए घी, घी को और डाल सकते हैं और इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा तल लें। बस ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, हल्का सा, इसका थोड़ा क्रंची हो जाए, हल्का सा बस। बस इसको डाल देते हैं अब इसमें। और मिला देते हैं। अब डाल लेते हैं इसमें इलायची पाउडर। एक कम आंच पे ही रखा हुआ है, 2 मिनट तक इसको, और अभी 2 से 3 मिनट इसको अभी थोड़ी थोड़ी देर पे नीचे न लगे हिलाते हुए इसको पकने दें। अभी इसका मावा जो है उसका कच्चापन निकलना बाकी है बस। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके बॉर्डर पे, देखिए एकदम घी अलग हो गया है, देखिए घी एकदम छोड़ दिया है ना। हलवा की पहचान यही है, कोई भी हलवा हो, जब ये कढ़ाई में घी और हलवा अलग होने लग जाए तब ये मान लीजिए हो गया है। और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया, कैमरे में बल्कि इतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है जितना बढ़िया कढ़ाई में है वास्तव में। अब आइए सर्व कर लेते हैं, आइए सर्व कर लेते हैं। आप ये देखिए कितना बढ़िया हलवा बना है, इसका टेक्सचर देखिए, कलर देखिए। हो सकता है कैमरे में इतना बढ़िया कलर नहीं आ रहा हो, लेकिन सच बताऊं बहुत ही सुंदर कलर है। Thank you.
रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।